खबर यूपी के बलिया से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल वापसी के बाद किसान नेताओं ने किसान बिल वापसी को आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। यह कृषि कानून बहुत गलत था जो किसानों का बलिदान कर रहा है, जो बलिदान को लेकर शहादत समर्पित रही है यह उनकी जीत है। हम यह बात जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री देर से जागे हैं, हजारों किसानों की शहादत लेने के बाद तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बलिया से संवाददाता संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। लेकर के उनके प्रति ये आंदोलन समर्थन वो रहा है, समर्पित रहा है और ये उनकी जीत है। तो क्या जो ये बिल जैसे प्रधानमंत्री ने इसको वापस लिया, तो क्या प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद करेंगे कि आखिर जो लागू किया फिर उसको वापस लिया? बिल्कुल, हम ये बात जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री देर से जगे हैं, लाखों लोगों हजारों किसानों की कुर्बानी लेने के बाद, शहादत लेने के बाद, तो मैं धन्यवाद तो दूंगा कि हाँ आपने एक किसानों के दबाव में ये काम किए हैं और वापस लिए हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपके पास सद्बुद्धि जगी, देश हित में इस कानून को आपने वापस लिया है, किसान हित में वापस लिया है। लेकिन कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूं जी। रामकृष्ण जी, आज प्रधानमंत्री ने कृषि जो तीनों कानून थे, कृषि कानून बिल को आज वापस लिया है, इसमें क्या आपकी राय है? प्रधानमंत्री अगर वापस लिए हैं तो यही कहा जाएगा कि इन्होंने काफ़ी देर से किसानों के जीवन के कीमत पे उनको काफ़ी क्षति पहुंचाने के बाद वापस लिया है और यह निश्चित रूप से उपचुनावों में उनकी पार्टी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा है, इसके चलते वो ऐसा घोषणा किए हैं। और जब तक पूरी तरह से बात साफ नहीं हो जाती है तब तक उनके वापस लेने पर क्या कहा जा सकता है। अभी ऊपर के नेता लोग बैठक करेंगे। ये जो तीनों कृषि कानून जो बिल थे, इसमें क्या कमियां थी जिसको लेकर किसान नेता धरने पे इतने साल से बैठे रहे? देखिए, ऐसा है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से हमारी कृषि को कारपोरेट के हाथों में गिरवी रखने का एक षड्यंत्र है और यह काम आयात कृषि अनाजों के आयात पर निर्भर हो जाएंगे और इस आयात की कीमत विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल्स कंपनियां तय करेंगी, जो हमारे किसानों के हक में नहीं होगा तो आम जनता जी। आज तरह जो आज बिल वापस हुआ है, सरकार अपनी वापसी की है, तो इस पर क्या आप प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि देर आए दुरुस्त आए? प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से धन्यवाद दिया जा सकता है, लेकिन यही कहा जाएगा कि काफ़ी देर कर दी, हुजूर आते आते आपने बहुत देर कर दी।